हेलो एवरीवन, आई एम आशा। वेलकम बैक टू माय चैनल आशा टेस्टी वर्ल्ड। तो आज हम देखने वाले बहुत ही टेस्टी, बहुत ही इंटरेस्टिंग वुड एप्पल की खट्टी मीठी रेसिपी। बहुत ही टेस्टी लगती है और इसे स्पेशली समर में खाया जाता है। समर में ये बहुत ही ज़्यादा लगते हैं। तो इस वुड एप्पल को हम मराठी में कवट कहते हैं। तो ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, इसमें विटामिन सी काफ़ी मात्रा में होता है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं इसकी रेसिपी। तो इस तरीके का कुछ होता है वुड एप्पल। तो ऊपर का जो कवर है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और अंदर खट्टा मीठा थोड़ा सा टेस्ट रहता है इसका, थोड़ा सा खट्टा टेस्ट है एक्चुअली। और फिर हम इसमें शुगर भी डाल सकते हैं या गुड़ भी डाल सकते हैं। तो किसी भी एक चीज़ लेनी है हमें और उसी से इस तरीके से इसे हम फोड़ देंगे। इसी तरह से राउंड राउंड शेप में आप इसे मार देंगे तो ये परफेक्ट राउंड कट हो जाएगा। और बचपन से ही ये मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है फ्रेंड्स। तो देखिए अंदर से कुछ इस तरीके का दिखता है। तो हम एक फोक लेंगे, उसी से इसे निकालेंगे। देखिए कुछ इस तरीके का है, अंदर से इसके सीड्स रहते हैं, लेकिन इसके अंदर जो सीड्स है वो हम नहीं हटाएंगे, वो खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से हम इसे क्लीन करके लेंगे और जो ऊपर का सेक्शन है हार्ड वाला उसे हम साइड में रख देंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये कट हो चुका है, ये बहुत ही बड़े काम का है। हम इसे साइड में रखेंगे और बाद में हम जब इसकी रेसिपी बनाएंगे तो इसी में ही हम इसे सर्व करेंगे। तो खाने में बहुत ही मज़ा आता है फ्रेंड्स। तो और एक मैं फोड़ रही हूँ। तो पहले मैंने जिस तरीके से इसे फोड़ के लिया था सेम उसी तरीके से मैं इसे भी फोड़ रही हूँ। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा निकल चुका है, परफेक्ट राउंड इसका निकल आया है। तो इसे भी हम निकालेंगे एक प्लेट में और फिर हमें क्या करना है कि इसमें जो थ्रेड्स रहते हैं वो हमें निकालने हैं। तो इसमें जो थ्रेड्स है वो हटाएंगे ताकि जब हम इसकी खट्टी मीठी टेस्ट वाली जो आप चटनी कह सकते हैं, जाम भी कह सकते हैं, वो बनाएंगे तो वो खाने में बहुत ही मज़ा आएगा और उसके जो थ्रेड है वो भी बीच बीच में नहीं अटकेंगे। तो इस सब को हमें नाप के लेना है। तो मैं इसे नाप के ले रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से थोड़ा सा मैं इसे प्रेस कर रही हूँ। तो ये 3/4 कप है। तो जितना ये मिक्सचर है उतना ही शुगर या गुड़ हमें लेना है। तो अभी मैं इसमें गुड़ डाल रही हूँ। अगर आपको गुड़ की टेस्ट पसंद नहीं तो आप इसमें शुगर डाल सकते हैं, बट गुड़ ही डालिए, उससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आती है और खाने में भी वो हेल्दी है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके के थ्रेड होते हैं, वो मैं निकाल रही हूँ। अगर आप इसे नहीं हटाएंगे तो खाते टाइम ये बीच बीच में आएंगे, सो इसीलिए इसे क्लीन करके ही लेना है। और इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी ये बनके रेडी हो जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। इसे देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, इतनी ज़बरदस्त टेस्टी ये रेसिपी है। आप इसे ज़रूर बना कर देखिए फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ 3/4 कप गुड़ लिया है। जितना हमने पहले का वुड एप्पल का मिक्सचर लिया है उतना ही हमें इसके लिए गुड़ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस पैन में पहले हम इस वुड एप्पल का जो मिक्सचर है अंदर का उसे डालेंगे। तो गैस वगैरह देख के आपके समझ में आया होगा कि मैं हमारे घर में, केरला के घर में नहीं हूँ, यहाँ पंढरपुर में हूँ। तो देखिए मैं अभी कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने वाली हूँ, 1 मंथ के लिए। तो यहाँ मैं ढेर सारे रेसिपीज़ भी बनाने वाली हूँ, जो कुछ केरला में नहीं मिलता वो सब कुछ मैं यहाँ बना कर रखने वाली हूँ। तो डेली आप मेरे वीडियोस देखना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरीके से हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा जस्ट मिक्स होने के बाद हम इसमें तुरंत गुड़ को डालेंगे। तो गुड़ डालने के बाद हमें क्या करना है कि गैस की फ्लेम हम हाई रखेंगे। हाई गैस के फ्लेम पे ही हमें ये सब प्रोसेस करनी है। हाई गैस के फ्लेम पर आप करेंगे तो बहुत ही जल्दी ये मिनटों में बनके रेडी हो जाएगा। तो अभी मैंने 2 एप्पल को लिया था, उसी से ही मैं बना रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो मेजरमेंट यही रहेगा फ्रेंड्स, इसी मेजरमेंट का यूज़ करते हुए आप इस रेसिपी को बनाइए, बहुत ही प्यारी बनेगी। और बनाने के बाद कमेंट्स करना मत भूलिएगा। अभी
और समर है, समर का सीज़न है, इसलिए समर में ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं। तो इसके बहुत ही अलग अलग नाम हैं, इसे मराठी में कवट कहते हैं, कुछ लोग इसे बेल भी कहते हैं, कबिट भी कहते हैं, और वुड एप्पल तो आपको पता ही होगा। तो आपके वहाँ किस नाम से इसे जानते हैं वो आप प्लीज़ कमेंट्स करके बताना। और कुछ थोड़ी देर तक हम इसे इसी तरह से मिक्स करते रहेंगे। अगर आप हो सके तो नॉनस्टिक कढ़ाई या पैन का ही यूज़ कीजिए, क्योंकि उसमें ये गुड़ है जहाँ नीचे चिपकता नहीं, सो इसीलिए बहुत ही इजी हो जाता है सभी प्रोसेस नॉनस्टिक पैन में बनाने के लिए। तो जब तक ये गाढ़ा नहीं होता तब तक हम इसे इसी तरह से चलाते रहेंगे। जब ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा तब हम गैस को बंद कर देंगे, तभी तो इसकी टेस्ट बढ़िया आती है। अगर आप इसी तरह से इसे रखेंगे तो इतनी बढ़िया टेस्ट नहीं आती। गुड़ और ये जो वुड एप्पल का मिक्सचर है वो दोनों ही अच्छे से हम भून के लेंगे, अच्छे से थोड़ा सा थिक बना के लेंगे तो बहुत ही बढ़िया टेस्ट आती है। तो एक्चुअली फ्रेंड्स अभी इसे देखते ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है, इसे खाने का बहुत मन कर रहा है, रुका नहीं जा रहा, मैं तुरंत इसे खाने वाली हूँ क्योंकि बहुत सालों से मैंने इसे खाया नहीं है। तो अभी मैं मेरे फ्रेंड के घर गई थी, उसी ने मुझे ये दिया है, उसके घर के सामने ये बहुत बड़ा पेड़ है तो उसने मुझे ढेर सारे ये वुड एप्पल दिए हैं। तो मैं अभी इसे पूरा ख़त्म करने वाली हूँ अकेले ही। तो देखिए फ्रेंड्स अभी ये गाढ़ा हो चुका है। इसी तरीके का गाढ़ा होने के बाद हम गैस को तुरंत बंद कर देंगे। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा बनाएंगे तो ये ठंडा होने के बाद और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, थिक हो जाएगा, तो खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो इसी तरीके की कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। तो मैंने गैस को भी बंद कर दिया है और थोड़ी देर में मैं इसे खाने वाली हूँ। थोड़ा सा ठंडा करना है हमें इसे। अगर आप चाहे तो इसे फ्रिज में रख के भी खा सकते। फ्रिज में रखने के बाद इसकी टेस्ट बहुत ही बढ़िया आती है फ्रेंड्स। तो देखिए जो वुड एप्पल का कवर है उसी में ही मैं इस मिक्सचर को भर रही हूँ। जब आप इसी में ही इस मिक्सचर को भर के खाएंगे तो एक ऑथेंटिक फ्लेवर आता है। एक्चुअली ये रेसिपी ऑथेंटिक ही है, बहुत पहले से ये रेसिपी बनती आ रही है हमारे यहाँ। तो देखिए मैं दो तीन कवर में इसे फिल कर रही हूँ। तो बहुत ही बढ़िया प्यारी सी ये रेसिपी बन के रेडी हुई है। आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिए फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो देखिए परफेक्ट खट्टी मीठी इस वुड एप्पल की रेसिपी बन के रेडी हुई है। तो बहुत ही प्यारी बनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड एन्जॉय। थैंक यू फॉर वॉचिंग आशाज़ टेस्टी वर्ल्ड।